हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये हमारा थ्योरम। थ्योरम क्या है कि प्रूव दैट डी किस तरह डिफाइन है कि आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर टेंस टू आर पे डिफाइन बाय देखिए डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या कि एक्स वन माइनस वाई वन ठीक है उसका मोड है फिर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का फिर मोड है। इस तरह से डिफाइन है हमारा। देन फिर क्या कि वेयर एक्स इक्वल टू एक्स वन और एक्स टू वाई इक्वल टू वाई वन और वाई टू इज द मैट्रिक्स ऑन आर टू मीन्स इसे हमें मैट्रिक्स दिखाना पड़ेगा। ठीक, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है और एक थ्योरम भी करवा चुकी हूँ तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप जाके देख लीजिएगा एक बार। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को मैं पूरा करवाऊँगी। ठीक, देन देखिए ये क्या है कि हमें इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए क्या कि ये हमारा डिफाइन है किस तरह से डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वन और माइनस वाई वन का मोड प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का मोड। और क्या कि मैट्रिक्स इसे प्रूफ करना है मीन्स क्या कि मैं जो चार कंडीशन था मैट्रिक्स का वो सेटिस्फाई कर जाएगा। चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो हमारा मैट्रिक्स ऑन आर टू पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर पे है। ठीक, देन देखिए कि प्रूफ होगा कि तो इससे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारा गिवन दिया हुआ वो लिखेंगे तो लिखेंगे द फंक्शन डी। फंक्शन जो हमारा डी है इज डिफाइन किस तरह से डिफाइन है डिफाइन देखिए यहाँ पे डिफाइन बाय किस तरह से डी ऑफ एक्स वाई जो हमारा है इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई वन का मोड प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का मोड इस तरीके से डिफाइन है। और क्या दिया हुआ है कि वेयर वेयर एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वन और एक्स टू ठीक एंड वाई इक्वल टू दिया हुआ है वाई वन वाई टू ये हमारा हो गया। देन देखिए नंबर वन जो हमारा कंडीशन होता है क्या होता है कि डी ऑफ एक्स वाई जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। मीन्स हम बोल सकते हैं क्या कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमें यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर वन कंडीशन। तो देखिए एक्स वन मीन्स ये जो हमारा गिवन दिया हुआ है मीन्स एक्स वन माइनस वाई वन का मोड जो हमारा होगा तो लिखेंगे क्या कि सेंस एक्स वन माइनस वाई वन का जो मोड होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब ये जीरो कैसे होगा मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कैसे होगा देखिए क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर हम मोड निकालते हैं तो वो हमारा हमेशा पॉजिटिव में होता है तो पॉजिटिव जो हुआ तो वो जीरो से हमारा बड़ा ही हुआ तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक, एंड फिर क्या होता है कि देखिए सेकेंड वाला टर्म क्या कि एक्स टू माइनस वाई टू का भी मोड करेंगे अगर तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये भी हमारा मोड में ही है और मोड में मोड से बाहर कोई भी नंबर निकालेंगे तो वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देन अगर ये दोनों हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और दोनों को अगर हम प्लस कर लें मीन जो जीरो से बड़ा है जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जीरो से बड़ा क्या है वन पॉइंट मान लेते हैं जीरो पॉइंट वन बड़ा है। ठीक, तो जीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट वन ठीक है ये दोनों को अगर हम एडिंग कर लें तो भी वो जीरो से बड़ा रहेगा तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि एक्स वन माइनस वाई वन का मोड प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का जो मोड रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा टर्म है तो ये टर्म क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई है तो लिखेंगे क्या कि दस डी ऑफ एक्स वाई जो हमारा हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कैसे हो गया यदि क्या उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखिए ये कैसे हो गया ठीक देन फोर और लिखेंगे कि एक्स वाई जो हमारा है वो बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे आर टू में बिलोंग करेगा क्योंकि ये हमारा डिफाइन है आर टू इंटू आर टू देखिए यहाँ पे। देन एंड देन देखते हैं सेकेंड टर्म क्या होता है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अगर हम जीरो मान लें एक्स वाई इक्वल टू जीरो मान लें तो ये हमारा क्या इम्प्लाइज करता है कि डी ऑफ एक्स वाई का जो वैल्यू क्या है ये है तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ जीरो हो गया तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा मीन्स क्या कि एक्स वन माइनस वाई वन का मोड प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का जो मोड हो जाएगा वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक, देन अब देखिए आगे इसका कि ये हमारा टर्म है कि एक्स वन माइनस वाई वन मीन्स क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं एक्स वन माइनस वाई वन सिंपली प्लस एक्स टू माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। अब हम क्या इसे देखिए अलग अलग टर्म कर सकते हैं कि एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो ये और एक्स टू माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो ये ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो और हमारा एक्स टू माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, देन फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वन
इक्वल टू हमारा हो जा रहा है यहाँ पे वाई वन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स टू इक्वल टू वाई टू हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक्स टू इक्वल टू वाई टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो वाई टू हो गया। देन जो ये हमारा है वो क्या है कि एक्स वन और एक्स टू का जो क्या है फॉर्मेट एक्स है, और वाई वन और वाई टू का फॉर्मेट क्या है वाई है फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे गिवन दिया हुआ था ऑलरेडी, तो मीन्स क्या हो गया कि इस जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स और इस जगह पे हम लिख सकते हैं वाई। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें मैट्रिक्स वाला में फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स जो हमारा कंडीशन होता है वो होता है कि बोथ साइड इम्प्लाइज करना चाहिए। मीन्स एक्स इक्वल टू अगर वाई हुआ तो इस वाला टर्म में हो जाएगा, देखिए एक्स इक्वल टू वाई हुआ मीन्स हम एक्स वन इक्वल टू वाई वन लिख सकते हैं और एक्स टू इक्वल टू वाई टू लिख सकते हैं, इस टर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा बैक चला जाएगा। फिर ये वाला टर्म को हम इस टाइम में ले सकते हैं एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो और एक्स टू माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, तो फिर ये हमारा बैक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर बैक जाएगा हमारा, तो इसी तरह ये पूरा बैक हो जाएगा। देखिए यहाँ से सिंपल देन लिखेंगे क्या कि दस हमारा डी ऑफ एक्स वाई है इक्वल टू जीरो हो गया और हमारा बोथ साइड इम्प्लाइज करेगा देन एक्स इक्वल टू वाई, ये हमारा सेकेंड टर्म जो हमारा है वो फुलफिल हो गया। ठीक, एंड देन देखते हैं थर्ड टर्म, थर्ड में क्या होता है कि हमारा देखिए डी ऑफ एक्स वाई जो होता है वो सिमेट्रिक वाला टर्म होता है, तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स लिखेंगे, तो हमारा सिमेट्रिक थर्ड टर्म, तो लिखेंगे क्या कि डी ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है वो हम लिखते हैं, प्रूफ करना हमें डी ऑफ वाई एक्स प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए ये वाला टर्म क्या है कि एक्स वन माइनस वाई वन का मोड दिया हुआ है प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का मोड दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, मोड के अंदर ही माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव टर्म हो जाएगा, मीन्स वाई वन माइनस एक्स वन हो जाएगा टर्म, और प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे बाहर तो वाई टू माइनस एक्स टू ये वाला टर्म, और ये हमारा मोड, देखिए हो गया। अब हम मोड से बाहर कोई भी चीज़ को रखेंगे मीन्स माइनस वन, तो इसका तो कोई वैल्यू होता नहीं, जैसे मतलब क्या कि माइनस एक्स का मोड लिखें इक्वल टू ये हमारा एक्स का मोड हो जाता है। ठीक, इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा मोड रहेगा ये हमारा वाई वन माइनस एक्स वन का ये हमारा मोड हो जाएगा और ये हमारा वाई टू माइनस एक्स टू का हमारा ये मोड हो जाएगा। मीन्स देखिए तो फिर ये क्या हो गया, ये किस टाइप में लग रहा है आपको, डी ऑफ वाई एक्स का टाइप में लग रहा है, क्योंकि वाई वाला देखिए फर्स्ट टर्म आ रहा है हमारा और एक्स वाला सेकेंड टर्म है। इसी तरह यहाँ पे जो था हमारा जैसे कि डिफाइन दिया हुआ था कि एक्स वाला फर्स्ट टर्म में आ रहा था, देखिए डी ऑफ एक्स वाई एक्स वाला फर्स्ट टर्म में आ रहा है और वाई वाला सेकेंड टर्म में आ रहा है, इसलिए अब हमारा आ रहा है क्या कि वाई वाला फर्स्ट टर्म में आ रहा है और एक्स वाला सेकेंड टर्म में, तो लिखेंगे दस डी ऑफ एक्स वाई जो हमारा है वो इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स हो गया, और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू में बिलोंग करिए, और यहाँ पे भी ले देंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू में। ठीक, देखिए देन अब हमें क्या करना है कि फोर्थ वाला लास्ट टर्म हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो फोर्थ वाला लास्ट टर्म हमें प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, देखिए हम एक्स वाई जेड चाहिए उसमें, कि थ्री टर्म्स होता है। ठीक, डी ऑफ एक्स वाई होता है लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, तो ये देखिए कि लिखेंगे क्या कि लेट एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ था एक्स वन और एक्स टू दिया हुआ था। ठीक, और वाई इक्वल टू दिया हुआ था वाई वन वाई टू, एंड हम ले लेंगे क्या जेड इक्वल टू जेड वन और जेड टू, ये हम खुद से ले लेंगे। ठीक है, जेड इक्वल टू जेड वन जेड टू, देन देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नीड टू सो दैट क्या कि डी ऑफ एक्स वाई जो होता है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये वाला टर्म होता है हमारा। ठीक, ये हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, शो करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं इसको शो करते हैं। ठीक, तो देखिए डी ऑफ एक्स वाई हमें गिवन दिया हुआ है जो कि क्या है कि एक्स वन माइनस वाई वन है। ठीक, इसका मोड प्लस यहाँ पे दिया हुआ है क्या एक्स टू माइनस वाई टू का वाई टू का मोड दिया हुआ है। देन अब हम क्या करेंगे,
कि इसको देखिए डी ऑफ एक्स वन और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं क्या कि एक जेड ले लेते हैं, ठीक है, जेड वन और जेड टू जो हमारा टर्म लिए थे लेट मान के, तो जेड वन और जेड टू। अगर हम इसमें माइनस जेड वन प्लस जेड वन ले लें तो कोई प्रॉब्लम है, माइनस और प्लस दोनों तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस वाई वन का मोड हो जाएगा ये हमारा। फिर प्लस क्या कि देखिए टू वाला टर्म में एक्स टू और माइनस जेड टू और प्लस जेड टू ले लेते हैं, ठीक है, और माइनस वाई टू। तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्योंकि जेड वन और माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट और ये माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एज इट इज जो हमारा है वही रहेगा। देन देखिए फिर क्या करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड एक्स वन माइनस जेड वन को एक साइड लिखते हैं, प्लस क्या कि जेड वन माइनस वाई वन को एक साइड लिखते हैं, फिर प्लस क्या कि एक्स टू माइनस जेड टू को एक साथ और प्लस जेड टू माइनस वाई टू को एक साथ, ये हमारा मोड हो गया। देन अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वन माइनस जेड वन का मोड हो जाएगा, देखिए अलग अलग हो जाएगा, ये मोड का होता है फॉर्मूला। देन प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखिए ये अलग, ये भी अलग होगा और ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, तो हम क्यों ना इसको सजा के लिख दें या फिर आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए जेड वन माइनस वाई वन का मोड हो जाएगा, ठीक, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्लस देखिए ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स टू माइनस जेड टू का मोड और प्लस जेड टू माइनस वाई टू का मोड हो गया। फिर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स वन माइनस जेड वन का मोड, देखिए चारों अलग अलग हो गया है तो हम इसको पहले लिख सकते हैं ये वाला टर्म को यहाँ पे, तो एक्स टू माइनस जेड टू का मोड। फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जेड वन माइनस वाई वन का मोड प्लस जेड टू माइनस वाई टू का मोड। अब ये हम इसलिए लिखें क्योंकि जो हमारा डिफाइन दिया हुआ था इस टाइप का दिया हुआ था कि एक्स वन वाई वन होगा, एक्स टू वाई टू होगा, सेम सेम होगा, एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू। तो देखिए एक्स वन एक्स टू जेड वन जेड टू, तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा, तो ये वाला जो एक्स वाई का टर्म है तो ये डी ऑफ एक्स वाई का टर्म है, यहाँ पे एक्स जेड का टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स जेड का टर्म हो जाएगा। फिर प्लस देखिए ये जेड 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 वन जेड टू और वाई वन वाई टू मीन्स डी ऑफ जेड वाई का टर्म हो जाएगा, दिस इज डी ऑफ जेड वाई। तो हमें फाइनली यही प्रूव करना था, तो लिखेंगे दस देखिए क्या कि डी ऑफ एक्स वाई जो हमारा टर्म है वो लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बीच में आया था लेस देन इक्वल टू, तो डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो लिखेंगे कि हैंस वी क्या कि वी जो हमें मिल चुका है क्या कि फोर पोस्टुलेट मिल चुका है, ठीक है, तो हैंस वी हैव ऑल फोर पोस्टुलेट, ठीक। देन लिखेंगे क्या, सो क्या हो जाएगा कि डी इज अ, सर हमें क्या प्रूव करना था, डी इज अ मैट्रिक्स, बस तो डी इज अ मैट्रिक्स।